पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे लड़कियों के फोटोज मॉर्फ करके, उनके वीडियो बना के, उन्हें ब्लैकमेल करके, फेक आइडेंटिटी यूज करके, फर्जी निकानामे बना के उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था। इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे दलित लड़कियों को झूठी आइडेंटिटी यूज करके कैसे जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जा रहा है। एक किस्सा है, एक लड़की थी दलित हिंदू है, कविता, उसको राहुल से प्यार हुआ, उसके साथ उसने भाग के शादी कर ली और तब पता लगा कि ये राहुल नहीं, ये तो इमरान है। पहले तो मैम राहुल मलिक बताया था, फिर जैसे कुछ महीने बात होती रही, कुछ दिन बीते तो कहने लगा मेरा नाम इमरान मलिक है। ऐसी रोमांटिक मूवीज बॉलीवुड में बननी चाहिए नहीं, DDLJ का सेकुलर सीक्वल जहाँ पे काजोल लंदन पहुँचती है और वहाँ पता लगता है जिसको वो राज समझ रही थी वो तो इमरान है। एकदम समझ नहीं आता कि यार ये लोग जैसे मॉमडन हैं तो आप आइडेंटिटी छुपा के आप हिंदू बन के लड़की से क्यों मिल रहे हो, आपको क्यों शर्मिंदगी है इतनी कि आप झूठी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो मिलने के लिए। आपको तो प्राउड होना चाहिए यार, बिकॉज आप देखो मोहम्मद साहब, ऐसा कहा जाता है कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन हु एवर लिव्ड, जिनकी इतनी रेस्पेक्ट है, जिनके अगर कार्टून बना दो तो गुस्सा हो जाते हैं, नबी की शान की गुस्ताखी है, उसकी सर तन से जुदा। रैली निकलती है भोपाल में, आपका फ्रांस में, बिजनौर में, मालडा में, लाखों लोगों की रैलियां। उसने एक गुस्ताखी करी हमारे हुजूर की शान। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सुन ले फ्रांस के राष्ट्रपति, अगर हमारे बस में होता तो हम तेरा मुंह कुचल देते हैं। इतनी मोहब्बत है कि फ्रांस में कार्टून छपते हैं, भिंडी बाजार में फ्रांस के प्रेसिडेंट की आप पोस्टर चिपका देते हो सड़क पे, तो आपको तो प्राउड होना चाहिए यार। तो ये आइडेंटिटी छुपा के आप हिंदू बन के क्यों मिल रहे, आप खुद ही फैला रहे हो इस्लामोफोबिया करके। खैर, तो लड़की से उसने शादी करी इमरान ने, राहुल बनके, तो आर्य समाज में राहुल बनके शादी करी, एक डॉक्यूमेंट वो, और एक निकानामा बनाया जिसमें लड़की का नाम जोआ, इसका इमरान। अब कविता ने पूछा कि यार तुमने दो दो डॉक्यूमेंट क्यों, तो कहता निकानामा तो अल्लाह को दिखाने के लिए कि तू मोमडन बन गई है, और आर्य समाज वाला ये सरकारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ के लिए। निकाह उन्होंने बस इस बात को तो बोलते रहे मेरे सामने कि हमें अपने ऊपर वाले के निकाह में तुझे बस वो दिखाना है कि तू हमारे इसमें आ चुकी है, बाकी हम ये धर्म कर रहे हैं संसार के अकॉर्डिंग, जैसे गवर्नमेंट चलती है उसके हिसाब से वैसे बन गई तू मुसलमान नहीं। अब देखो दो दो डॉक्यूमेंट बना रखे हैं इसने, एक इमरान के नाम का, दूसरा राहुल के नाम का, और यहाँ खामखा आपने बुजुर्ग औरतें शहीन बाग में ठंड में सड़क पर बिठा दी कि कागज नहीं दिखाएंगे। अरे यहाँ तो दो दो सेट बनवा रखे हैं, इसलिए बोल रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे कि कल को चेकिंग होने लगी दो दो सेट निकलेंगे। मैरिज सर्टिफिकेट बन रहा है गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसमें नाम राहुल लिखा लिया, आप देखो तो आप क्यों परेशान हो रहे हो अगर NRC हो भी गई तो भाई ये रूट तो आपके पास है ही, अगर अभी बन सकते हैं इमरान राहुल बन के डॉक्यूमेंट बनवा सकता है तब भी बन जाएंगे। और लड़की परेशान, लड़की बोलती है कि मुझे आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा नहीं करने देते थे। एक तो मुझे हिंदू लड़कियों की फैंटेसी समझ में नहीं आती कि वो आपको अपने घर में मूर्ति पूजा करने देंगे, बिकॉज जिस किताब को वो लोग मानते हैं उसमें स्ट्रिक्टली मना करा हुआ है अल्लाह के अलावा किसी गॉड को मानने के लिए और किसी और की पूजा करने के लिए। वर्स 364, वी वर्शिप नन बट अल्लाह। 17:22-23, डू नॉट सेट अप एनी अदर गॉड विद अल्लाह, वी वर्शिप नन बट हिम। 40:62, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट हिम, देर इज़ नो गॉड वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट हिम। तो जो किताब में स्ट्रिक्टली मना करा हुआ है वो अब कैसे मूर्ति पूज। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है आपका, मोहम्मद साहब जब मक्का गए थे वहाँ काबा में, उस समय 360 स्टोन आइडल्स हुआ करते थे, तो मोहम्मद साहब ने वो तोड़ दिए, बाकायदे पेंटिंग्स हैं। और ये जो सिलसिला था मूर्तियाँ तोड़ने का, आइडल वर्शिप डिस्ट्रॉय करने का, ये 1400 साल से चल रहा है। गजनी आपको पता होगा 11वीं सदी में उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, और नफरत का आलम देखो एक बार नहीं 17 बार तोड़ा, और उस हरकत को वाइट वॉश करने के लिए लेफ्टिस्ट बोल देते हैं कि अरे वो लूटने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वो तोड़ा था। अरे भैया मंदिर लूटना है तो जो भी लूट वूट है वो लेके चले जाओ, उसको तोड़ने की क्या तुक बनती थी, बिकॉज आइडल वर्शिप के प्रति नफरत थी, उसको खत्म करना था। और नफरत का ये आलम था कि जब गजनी ने सोमनाथ के मंदिर का आइडल तोड़ा तो उसके 4 टुकड़े कराए, एक टुकड़ा आपका गजनी के जामे मस्जिद में भेजा, दूसरा रॉयल पैलेस के एंट्रेंस पे लगाया, तीसरा मक्का भेजा, चौथा मदीना भेजा।
अलाउद्दीन खिलजी ने फिर आपका रुद्र महल मंदिर तोड़ा और 15वीं सदी में अहमद शाह ने वहां पे जामा मस्जिद बनवा दिया। सुल्तान इल्तुतमिश ने आपका चर्च का मंदिर तोड़ा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा और फाइनली वहां पे औरंगजेब ने बीजा मंडल मस्जिद बनवा दिया। अब तो नफरत का ये आलम था कि जो मूर्तियां तोड़ते थे ये लोग मंदिरों की, वो ये मस्जिदों की सीढ़ियों में चिनवा, बकायदा फरमान निकालते थे कि वो पैरों तले रौंदी जा सके। बंगाल के सुल्तान थे सुल्तान सिकंदर, उन्होंने आदिनाथ मंदिर तोड़ के अदीना मस्जिद बनवाया था। तो ये काशी मथुरा अयोध्या ये तो फेमस है, तो आपको पता है, आप हिंदुस्तान ट्रैवल करोगे अलग अलग जगह जाओगे, हजारों मंदिर तोड़े गए हैं और उन्हें मस्जिद में कन्वर्ट करा गया, और आपको लगता है कि वो आपको अपने घर में मूर्ति पूजा करने देंगे। 11वीं सदी में राजा भोज ने सरस्वती मंदिर बनवाया था, उसको भोजशाला बोला, इट वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग। जैसे नालंदा था आपका, नालंदा बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, जला दी थी, वहां पे बुद्धिस्ट प्रीस्ट को ब्राह्मणों को मारा था, और यहाँ पे भी जो 1200 टीचर्स थे हिंदू टीचर स्टूडेंट्स उनका कत्लेआम करा गया, पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। उसके बाद फिर आपका दिलावर खान आया, दिलावर खान ने इसको दरगाह में कन्वर्ट कर दिया, फिर महमूद शाह खिलजी ने अटैक करके उसको कमल मौलाना मकबरा बना दिया। तो आज मुस्लिम्स वहाँ पे दरगाह में जा सकते हैं पर हिंदू वहाँ पे जाके पूजा नहीं कर सकते। तो आप हिस्ट्री ऑफ टेंपल डिस्ट्रक्शन देखो, बिन कासिम से शुरू हुई, गजनी ने सोमनाथ तोड़ा, इल्तुतमिश ने चर्च का मंदिर तोड़ा, अलाउद्दीन खिलजी ने आपका रुद्र महल तोड़ा, भोजशाला तोड़ा, औरंगजेब ने आपका काशी विश्वनाथ तोड़ा, बाबर ने जैन मंदिर तोड़े, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बाकायदा 27 जैन मंदिर तोड़ के वहाँ पे कुतुब मीनार के पास जो मस्जिद बनाया कुव्वतुल इस्लाम, वहाँ तो बाकायदा लिखा हुआ है। सिकंदर बुटशिकान ने आपका मार्तनसन टेम्पल तोड़ा। तो शाहजहाँ जिसकी माँ हिंदू थी उसने 76 मंदिर तोड़ने का फरमान दिया, उसके राज में इलाहाबाद में 76 मंदिर तोड़े गए। तो कौन सा ऐसा रूलर था जिसके राज में मंदिर नहीं तोड़े गए? तो ये जो कॉन्टिन्यूटी है, नफरत है आइडल वर्शिप के खिलाफ, इसका कोई ना कोई रीजन तो है। और इसके बाद आपको लगता है कि आज ये लोग आपको अपने घर में मूर्ति पूजा करने देंगे, वो लोग जो इन लोगों को हीरो मानते हैं, खुद बोलते हैं बकायदा कि औरंगजेब हमारा हीरो है, औरंगजेब हीरो है हमारा और हीरो रहेगा। आप क्या बात कर रहे हैं, आप चोर और कातिलों को हीरो बना दिया, आपके लिए चोर होंगे ना वो, हमारे लिए वो बनी है। तो जो टेंपल डिस्ट्रॉय करने वाले लोगों को हीरो मानते हैं तो वो आपको अपने घर में मूर्ति पूजा कैसे करने देंगे? और जो सिलसिला चला था, गजनी ने चलाया था, वो आज भी चल रहा है। तालिबान आज अफगानिस्तान में बामिया बुद्धा का स्टैचू तोड़ता है तो उसको व्हाइट वॉश करने के लिए बोलते हैं कि अरे ये वहाबिज्म आ रहा है, इस चक्कर में रेडिकलाइजेशन हो रही है। अब्दुल वहाब वो पैदा ही 1703 में हुआ था। तो भैया गजनी 11वीं सदी में कैसे भटक रहा था? उसने तो 11वीं सदी में सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया था, एक नहीं 17 बार तोड़ा था। इनफैक्ट आप देखो हिंदुस्तान के मेजोरिटी ऑफ द टेम्पल्स जो तोड़े गए हैं वो अब्दुल वहाब के पैदा होने से पहले खेल खत्म हो गया था, चाहे वो चर्च का मंदिर हो, चाहे वो रुद्र महल हो, भद्रकाली मंदिर हो, राम मंदिर हो, भोजशाला हो, काशी विश्वनाथ हो, मार्तंडसन टेम्पल हो कश्मीर में। ये गजब चल रहा है कि यार तालिबान तो वहाबी इस्लाम से रेडिकलाइज होकर बामे बुद्धा का स्टैचू तोड़ रहा है और हमारे यहाँ मंदिर तोड़े गए तो उस समय वहाब पैदा भी नहीं हुआ था। चीज दोनों सेम कर रहे हैं, पाकिस्तान में मंदिर चलाए जा रहे हैं। एक गणेश मंदिर बना, उसमें पूरी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, भीड़ जाके पूरे मंदिर को जला रही है, उसको ध्वस्त कर रही है। अब मेडिवल इंडिया में इस्लामिक इन्वेडर जो मंदिर तोड़ते थे उसके फरमान तुमने देखे हैं, पर उसकी फुटेज जो आज पाकिस्तान में चल रहे हैं मंदिरों के साथ, उस आप इमेजिन कर सकते हो उस जमाने में तो क्या गंद मचता होगा, किस लेवल पे जिहाद होता होगा। तो जो फैज की कविता है कि अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है। मोहम्मद साहब के टाइम पे उन्होंने 360 स्टोन आइडल्स तोड़े थे वहां पे काबे पे, फैज उसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं
और यहाँ के जो अपोलोजिस्ट हैं, जब आईआईटी कानपुर में ये वाली कविता गाई गई एनटीसीए प्रोटेस्ट के टाइम पे, लोगों ने क्रिटिसाइज करा। बिकॉज सीए के टाइम पे भी मंदिर तोड़े गए थे, आपको पता नहीं हो अलग बात है, पर उस टाइम ही मंदिर तोड़े गए, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि दिस इज हेट्रेड अगेंस्ट आइडल वर्शिप। तो हाफिज सईद की फेवरेट जर्नलिस्ट उन लोगों को कल्चरल इलिटरेट बोलने लग गई कि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कविता का। अब जामिया मिलिया इस्लामिया के पास आउट हमें कॉन्टेक्स्ट बताएंगे उस सिविलाइजेशन को जिसके हर टूटे मंदिर की दीवार पे ऐसा कॉन्टेक्स्ट लिखा है, जिसके हर मंदिर की दीवार में जो मूर्ति चिनी हुई है उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखा है, हर उस फरमान में जो रमजान के टाइम पे दिए गए थे मंदिर तोड़ने के लिए उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। और रही कल्चरल इलिटरेसी की बात, तो विशाल भारद्वाज ने फिल्म बनाई थी हैदर, उसमें एक हैदर करके लौंडा होता है, एएमयू का पास आउट, कश्मीर जाता है, बापू मिलता नहीं, आर्मी के ऊपर जो यूजुअल ब्लेम गेम जो प्रोपेगेंडा है, फिर वो भी जिहादी बन जाता है। वैसे एएमयू के बहुत सारे स्टूडेंट्स कश्मीर जाके जिहादी बने हैं, उनके बाप मिसिंग नहीं थे फिर भी बने हैं। फारूक अब्दुल्ला, उसका बाप तो मिसिंग नहीं था, वो भी पी ओ के जाके सेपरेटिस्ट के साथ वहाँ पर बाकायदे एक थाली में रोटी खा रहा है। पार्टीशन के टाइम पे एएमयू के स्टूडेंट्स ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के कैंपेन करा था जिन्ना के लिए, लियाकत अली के लिए, तब तो किसी का बाप डिसअपीयर नहीं हुआ था। तो उसमें जो कैरेक्टर है हैदर, उसको विशाल भारद्वाज मार्तंड सन टेम्पल के रूइंस में नचवाता है, उस मंदिर के रूइंस में जिसको एक दूसरे जिहादी सिकंदर बुटशिकान ने 15वीं सदी में तोड़ा था। सिकंदर बुटशिकान के बाप को भी इंडियन आर्मी ने कुछ गायब कर दिया था क्या, तो वो कैसे जिहादी बना? तो ये कश्मीर में तो ये सोयों साल से जिहाद चल रहा है, 1990 तो लास्ट एक्सोडस था हिंदुओं का, सोयों साल से सेम जिहाद चल रहा है। बुटशिकान सरनेम का मतलब ही डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स है, और इतने मंदिर तोड़े उसने, उसका सरनेम ही डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स रख दिया। और जो मंदिर उसने तोड़ा उसमें आज विशाल भारद्वाज एक जिहादी करेक्टर को नचवाता है, ये है कल्चरल इलिटरेसी। शेक्सपियर पढ़ पढ़ के इतना बिजी हो गए कि साला इंडियन कल्चर ही नहीं पता, फिक्शन क्रिएट करने में इतनी बिजी हो गए कि रियलिटी से दूर ही कहीं बात चल रही है। मतलब कश्मीर में एक्सोडस कश्मीरी पंडितों का हुआ और फिल्में टेररिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही हैं। ये है सेकुलरिज्म / कल्चरल इलिटरेसी इस मुल्क की, कि डेजर्ट रेगिस्तान के कल्चर को वाइट वॉश करते करते इतना सा रेत में चला गया कि मंदिर में जिहादियों को नचवाया जा रहा है, उनमें जो जिहादियों ने तोड़ा था। अब पत्रकार बताएंगे क्या हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट? ज़्यादातर जर्नलिस्ट जो हैं दे आर जर्नलिस्ट्स, उनका कोई कोर डोमेन नॉलेज तो होती नहीं है। अज्ञानता के सागर में घमंड का लावा डाल दो तो एक बरखा पैदा होती है। अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसका कॉन्टेक्स्ट खुद बताते हैं रोज़। उमर शरीफ पाकिस्तान का जो कॉमेडियन है वो लोगों को बोल रहा है गजनी हीरो है, उसने सोमनाथ 17 बार तोड़ा, 17 बार ट्राई करा, सोमनाथ के मंदिर पे 17 मरतबा हमला किया था और फिर जीता था, फिर फतह हासिल की, हिम्मत नहीं हारना। उमर शरीफ कोई तालिबान का रिक्रूट तो है नहीं है, मॉडरेट है। तो आप सोचो तालिबान वालों की सोच और उमर शरीफ की सोच बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो उमर शरीफ चाहता है वो तालिबान वाले करते हैं, थॉट प्रोसेस सेम है बिल्कुल। तालिबान वाले ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं और उमर शरीफ वो चीयर लीडर है। और यही उमर शरीफ इंडिया आता लाफ्टर चैलेंज में तो आपको बोला जाता है अमन की आशा है, इससे रिश्ते सुधरेंगे, पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया आएंगे। वो कलाकार, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट है, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है, आप क्या मानती है? सोमनाथ के मंदिर पे 17 मरतबा हमला किया था और फिर जीता था, फिर फतह हासिल की, हिम्मत नहीं हारना। वो आर्टिस्ट जो इंडिया के टेंपल तोड़ने वाले गजनी को हीरो बना रहे हैं उनको यहाँ बुला के रिश्ते सुधरेंगे। यार आपको, आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट बुलाओ, क्रिकेटर बुलाओ, साफ साफ बोलो ना हमें धंधा करना है, अब बुलाओ। ये अमन की आशा, रिश्ते सुधरेंगे, ये सब नौटंकी क्यों करते हो? आपको टोपी पहनने का शौक है आप पहन लो, मोस्ट ऑफ यू आर मेंटल कॉन्वर्ट्स एनी वे, पर भी हमें मत पहनाओ।
अगर गजनी के फैन बॉयज, तालिबान वाली सोच रखने वाले लोग, उनको बिरयानी खिला के आपको अमन की आशा है, तो ये अमन जो रेस्ट इन पीस वाला अमन होता है, वही वाला अमन रिजल्ट होगा इससे। अरे आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को जब उनको बैन करा था, तब बड़ा कह रहे थे यार कि स्पोर्ट्स शुड बी अबव पॉलिटिक्स। पर आप स्पोर्ट्समैन की पॉलिटिक्स तो देख लो एक बार। जिस शोएब अख्तर को आप इंडिया आईपीएल में खिलाना चाहते हो, वो हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद की बात करता है। गजवाए हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशन गोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, ठाट टोलियों में से लोग आएंगे, उज्बेकिस्तान से, ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान, तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो इनको यहाँ पे खिला के रिश्ते सुधरेंगे क्या? और भतेरा क्रिकेट खेल लिया, डेकेड्स खेल लिए, कौन से रिश्ते सुधर गए? चार तो युद्ध हो लिए। अगर क्रिकेट खेल के रिश्ते सुधरते तो अब तक सॉल्व हो जाती ना प्रॉब्लम। कश्मीर को जो इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना है पाकिस्तान का, वो क्रिकेट से सॉल्व होगा क्या? और अगर होता है तो मैच कश्मीर में ही कराओ ना फिर। आपने 1980s के बाद क्यों नहीं कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया? क्योंकि 80s में जब पाकिस्तान टीम खेली थी, वहां के जो कश्मीरी मुसलमान थे, उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाए थे। गावस्कर ने लिखा है बकायदा अपनी किताब में, उस दिन दिख गई थी कश्मीरियत। तो आपको रिश्ते सुधारने हैं तो खेलो कश्मीर में आप आईपीएल, वहां पे वर्ल्ड कप के मैच रखो पाकिस्तान के साथ। हमें कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे का। पाकिस्तान का मिनिस्टर वो गजनी का फैन बॉय, वो मंदिर तोड़ने की बात करता है। और महमूद खजरवी की तरह उस सोमनाथ के मंदिर को गिराने निकला है। ये है कॉन्टेक्स्ट इन फैज की लाइनों का। आज हम आए हैं सोमनाथ, जो गुजरात के अंदर होता है, और कभी जिसे महमूद गजनवी और मोहम्मद इब्ने कासिम ने फतह किया था। ज़रूरत है कि नौजवान तबका खुसूसन अपनी तारीख को पढ़े, अपनी तारीख को देखे, अपने आबा व अजदाद व असलाफ के वो कारनामे, अजीम कारनामे जो वो इस सरजमीन हिंदुस्तान के ऊपर करके गए हैं, दिखा करके गए हैं, और आने वाली कौम के लिए, आने वाले बच्चों के लिए मशाल राह हैं। तो ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये ज़रा सुन लें। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज़। और इसके बाद भी आपको लगता है कि वो आपको मूर्ति पूजा करने देंगे, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है शतुरमुर्ग भी सोचते होंगे कि यार हम तो बदनाम हैं कि रेत में सर दे के बैठे रहते हैं, ये तो हज़ार साल से रेत में सर दे के बैठे हुए हैं। वो कहावत है ना कि पीपल वुड मच रादर चूज़ अ कम्फर्टेबल लाई ओवर एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। कम्फर्टेबल लाई है कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, और जो अनकम्फर्टेबल सच है वो आपके टूटे हुए मंदिरों की दीवारों में गुदा हुआ है, चाहे वो रुद्र महल हो, चाहे वो चर्ची का मंदिर हो, चाहे वो आदिनाथ मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, राम मंदिर हो, कृष्ण जन्मभूमि वाला मंदिर हो, भोजशाला हो। तो ये जो कंफर्टेबल झूठ है ना, ऑल रिलीजन्स आर सेम, इसको बेडरॉक बना दी गया सेक्युलरिज्म का। अगर ये सच है, इफ ऑल रिलीजन्स आर सेम, तो फिर ये लोग कन्वर्ट क्यों करते हैं? कोई तो कारण होगा। वर्स 96 में लिखा है, पॉलिथीस्ट आर द वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स। इतने वर्सेस में लिखा है, पॉलिथीस्ट विल बर्न इन हेल फायर। ये सर्वधर्म संभाव वाला जो सेंटिमेंट है, ये हमारे साइड के लोगों का हो सकता है, बिकॉज हम पॉलिथीस्ट हैं, वी बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माँ काली माँ, इतने सारे हनुमान, इतने सारे गॉड्स हैं हमारे, कि एक दो और आते हैं, हमने कहा ठीक है इनको ही मान लेंगे यार। तो हम जीसस का भी बर्थडे मना लेते हैं, खुशी खुशी क्रिसमस मनाते हैं, हम ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, हम जन्माष्टमी ही मनाते हैं, रामनवमी ही मनाते हैं, दुर्गा पूजा ही मनाते हैं, सारे फेस्टिवल्स हम, बिकॉज पॉलिथिज्म, इतने सारे हैं तो इनसिक्योरिटी नहीं है कि एक दो और आ जाए। पर यू टू अंडरस्टैंड मोनोथिज्म, वहाँ क्लियर है देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ द मैसेंजर। यहाँ पे लकीर खिंच गई, इट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। और ये
लकीर कह लो, खाई कह लो, इतनी बड़ी है कि आप मूर्ति पूजा, हम जैसे पॉलिथीज तो भूल ही जाओ, कि जो अल्लाह को भी मानते हैं, अहमदी आप देखो पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है, वो अल्लाह को मानते हैं, वो मोहम्मद साहब को मैसेंजर मानते हैं, बस एक डिफरेंस है कि वो कहते हैं कि यार हम एक और मैसेंजर को मानते हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, और इस्लाम में ये है कि यार मोहम्मद साहब जो थे, ही वॉज दी लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो अहमदीज का बस इतना सा डिफरेंस है कि एक और वो प्रॉफिट को मान रहे हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, विच वायलेट्स द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। उस छोटी सी चीज़ के चक्कर में उनको गैर मुसलमान डिक्लेयर कर दिया गया पाकिस्तान में, उनको मस्जिदों में जाने की परमिशन नहीं है, उनकी कब्र खोदी जा रही है। पाकिस्तान के पहले फिजिक्स के नोबल लॉरेट अब्दुस सलाम पाकिस्तान सिर्फ इसलिए छोड़ के जाना पड़ा कि वो अहमदी थे। अब्दुस सलाम पाकिस्तान के फोर्सकर। The day that you declared me to be a non-Muslim, you made me a second-class citizen. इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो मुल्क जो बनाने का रेजोल्यूशन 1940 में एक अहमदी ने लिखा था, जफरुल्ला खान। तो एक अहमदी जो अल्लाह को मानता है, उसको पाकिस्तान में सेकंड क्लास सिटीजन होने की फील आ रही है, और नोबल लॉरेट उस लेवल के आदमी को। तो हिंदुओं के साथ तो क्या ट्रीटमेंट होगा, यू कैन ओनली इमेजिन। और ये बात समझनी इसलिए ज़रूरी है कि जिसे हम पाकिस्तान बोलते हैं, वो 70 साल पहले, 75 साल पहले हिंदुस्तान ही था। जो हिंदुस्तान के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वो पाकिस्तान बने, और जो नहीं थे वो हिंदुस्तान रह गए। कश्मीर, वहाँ आज भी इस्लामिक स्टेट बनाने की बात चल रही है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार इंडियन इस्लाम इज सिंक्रेटिक, गंगा जमुना तहजीब। भैया इतना ही सिंक्रेटिक था तो फिर पार्टीशन हुआ ही क्यों? और आप रिजल्ट उठा के देखो, 1946 का जो इलेक्शन था, विच वॉज अ रेफरेंडम फॉर पाकिस्तान, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मुस्लिम लीग 30 में से 30 सीट जीती, 30 out of 30 बॉम्बे पाकिस्तान गया, गया हिंदुस्तान का हिस्सा है। मद्रास प्रेसिडेंसी, मुस्लिम लीग 29 में से 29 out of 29 सीट्स मुस्लिम लीग जीतती है, वहां पे मद्रास पाकिस्तान में गया क्या? या वहां के सारे लोग जिन्होंने वोट करा वो पाकिस्तान चले गए थे? यहीं रहे। असम 31 out of 34 सीट्स, वो ईस्ट पाकिस्तान चला गया क्या? बिहार 34-40 में से 34 out of 40 सीट्स, बिहार पाकिस्तान चला गया क्या? यूपी 54 out of 66 सीट्स, उड़ीसा 4 out of 4 सीट्स। तो जो एरिया पाकिस्तान में जाने ही नहीं थे, गए ही नहीं, वहां के मुस्लिम्स ने भी ओवरवेलमिंगली जिन्ना को वोट करा, जिन्ना गॉट 89% ऑफ मुस्लिम वोट्स। तब कहां गई थी गंगा जमुना तहजीब या सिंक्रेटिक कल्चर? पटेल साहब ने खुद बोला था, हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं कम कमांडो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो, आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। बोलते हैं जय भीम जय मीम, जब जय अहमदी जय मीम नहीं हो पाया तो जय मीम जय भीम कैसे होगा? देखो सच तो ये है कि मीम जो है, दे लुक एट भीम एज कन्वर्जन फॉर्डर, कि भीम तो भाई मानता है पर मीम चारा मानता है। और वही कविता के साथ हुआ। कविता को शादी के बाद बोला तुम मूर्ति पूजा नहीं कर सकती, फिर उसका नाम कन्वर्ट करके बोला तुम आज से जोआ हो। मेरे को तो जोआ कहते थे, मेरे जबरदस्ती मेरे मैम मेरे आधार कार्ड चेंज कराने के लिए बोल रहे हैं, मेरे जाति प्रमाण पत्र सब मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में सब में जो है, मैंने कि मैं क्यों कराऊं, मैं तो जिस नाम से हूं मैं तो उसी से रहूंगी, मैं क्यों बदलूं? बदला नहीं, बदलने के लिए मैं लेकर तो गए होंगे सारे
लेके जाने के लिए बोले तो बोले तेरे सारे स्कूल के कागज भी जलाएंगे, क्यों जलाओगे तुम मेरे स्कूल के कागज। और वो नहीं मानी तो फिर अपने बड़े भाई से उसका रेप करवाया, अपने दोस्तों को लाता था उनसे रेप करवाता था। बड़े दो भाई थे उससे आते करके चले जाते कभी भी, जो उनसे का मौका लगता कितनी बार क्या है। पर मैंने उसको भी बताया मैंने कि तेरे भाई ऐसे ऐसे करते हैं, तेरे मम्मी पापा भी पीछे से ऐसे करते हैं, क्या लगा अब तो तेरे साथ ही होगा, चमारी हम तो तुझे लाए ही नहीं है। और दारू पी के खुद भी करता था, मारता पीटता भी था, जबरदस्ती से सारी करता था वो मेरे से। ये भी कह रहे थे कि दोस्तों को भी लाता था, दोस्तों को भी लाता था, जिसमें से मैं एक को जानती थी जिसका नाम अली मोहम्मद है, वो भी लोनी का रहने वाला। अब पैसे में लाता था या कैसे लाता था, पर मेरे को लग जब तीन चार डेली आ रहे हैं तो दीदी पैसों में ला रहा होगा। कन्वर्ट ना करने पर दलित लड़की का रेप करा जा रहा है 21वीं सदी में। और आपको बताया गया कि हिस्टोरिकली मेडिवल इंडिया में इस्लामिक इन्वेडर्स के टाइम पे गजनी, गौरी, इल्तुमिश, अहमद शाह अब्दाली, सिकंदर बुटशिकान, औरंगजेब, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके टाइम पे तो दलितों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करा जब ऑपरेशन पीक पे था। और आज 21वीं सदी में जब रिलेटिवली प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, पीसफुल सोसाइटी है, तब आपके सामने एक दलित लड़की को कन्वर्ट ना करने के लिए रेप कराया जा रहा है, बोला जा रहा है चमारी हम तुझे लाए इसलिए। खैर हिस्टोरिकली कन्वर्जन के क्या रीज़न रहे होंगे अपने आप में एक टॉपिक है, तो इनको हम अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अम्बेडकर साहब जब हैदराबाद में दौलताबाद फोर्ट गए थे तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स थे दे ट्रीटेड हिम एज अनटचेबल, उनको पानी नहीं छूने दिया। कैसे पार्टीशन के बाद अम्बेडकर साहब ने एस सी एस टीज को बोला था कि तुम पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ जाओ क्योंकि वहाँ पे तुम पे कन्वर्जन का प्रेशर रहेगा, तुम्हें टॉर्चर करा जाएगा। कैसे अम्बेडकर साहब ने बताया था कि इस्लाम में भी कास्ट होती है। और कैसे अम्बेडकर साहब का खुद का सरनेम जो है वो उनके एक ब्राह्मण टीचर ने उन्हें दिया था। और उनकी लास्ट लाइफ के जो लास्ट मोमेंट्स थे उसमें उनकी सेवा एक सारस्वत ब्राह्मण ने करी जिनका नाम शारदा कबीर था। काफ़ी सारे फैक्ट्स जो अंबेडकर साहब से रिलेटेड थे मेरे लिए नए थे, तो मुझे उम्मीद है शायद आपके लिए भी नए हो, तो उनको हम एक्सप्लोर करेंगे अगले एपिसोड में।